भारतीय चित्रकारी का प्रारंभिक उदाहरण इतिहास काल से है, जब मानव दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। मैं भारतीय चित्रकार चेतन काटेकर आज मेरी चित्रकारी के बारे में विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं कलाकार बनूं। वो मानते थे ये कोई पेशा नहीं है। फिर भी मैंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार ही बनूंगा। बाद अपने खास तरह की रंग पेजना को ईजाद किया और मिथकीय संसार में मैंने अपने आकार ढूंढे। इसलिए मेरी चित्रकारी में भारतीय रंग आकारों देखे जा सकते हैं। उसमें आपको श्री कृष्ण, गोवर्धन, पौराणिक कथा, देवी देवता और संसार के सारे पशु पक्षियाँ भी मिलेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक युग में लोगों के जीवन में लाना चाहता हूँ। रामायण, महाभारत जैसी कथाएँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। इन कहानियों की मदद से आप अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं। सामान्य जीवन में भी रामायण और महाभारत का व्यापक असर है। इसे साहित्य ही नहीं परंतु भारतीय समाज भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। मैं इस चित्र में गौतम बुद्ध की चित्रकारी पर काम कर रहा हूँ, जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की और हिंदू धर्म में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी तरह भारतीय देवी देवताओं के चित्रों को लोगों के दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी चित्रकारी में एक पहलू ये भी है, चमकदार रंगों को प्रमुखता से प्रयोग किया और स्वाभाविक रंगों से परहेज किया। भारतीय चित्रकारी में भारतीय संस्कृति की भांति ही प्राचीन काल से लेकर आज तक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन समय से ही कलाकार और कला प्रेमियों का सम्मान होता आया है। इसीलिए जहांगीर ने तो ये तक कर डाला, मैं चित्रकारी और चित्रकार से घृणा करने वाले लोगों को नफरत से देखता हूँ। बाद 20वीं सदी में एक नज़र डाले तो केवल राजा रवि वर्मा ही एकमात्र ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्हें ऑयल पेंटिंग आती थी, और उस ऑयल रंगों से जो कैनवास पर उभरा वो बिल्कुल सजीव जैसा लगने लगा। बाद लोगों ने उन चित्रकारी को देवता की तरह पूजने लगे। तो ये था मेरा चलचित्र का उपदेश। अगले चलचित्र में मैं कुछ और कहानियाँ और कुछ विभिन्न प्रकार की चित्रकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।